हमारे बचपन का सपना, हमारे बचपन का सपना नहीं, बचपन का दिन वापस जिया जाएगा गेम खेल के। सुपर मारियो, यो। As I always say, life is all about, making new records and developing yourself, trying to evolve yourself, keep experiencing multiple things. And yes, I'm trying to experience few of the things. It's just like 8:57 a.m. in the morning, and I'm ready. हमारा जो है स्नान एवं ध्यान हो गया है, और हमारा योगा एवं प्राणायाम भी हो गया है। एंड आई एम बैक टू माई वर्क। आई एम ऑन माई रिक्लाइनर टू एडिट स्टफ। या दिस इज माई वर्क स्टेशन, माई रिक्लाइनर इज माई वर्क स्टेशन। सो एनी वेज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडर्स इन योर लाइफ बाई इग्नोरिंग नेगेटिविटी एंड बाई एक्सेप्टिंग पॉजिटिविटी एंड बाई बींग थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। आज का तारीख है 15 अक्टूबर 2019, ट्यूजडे। इट इज 8:58 a.m. इट इज, एंड द टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। इट्स अनहेल्दी एयर क्वालिटी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। एंड यस, आई थिंक दाल में सीटियाँ जो हैं वो लग रही हैं। सो कमेंट ऑन बिलो गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द थिंग कि एम्बियंस प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। लाइक कुछ दिन पहले हमने कन्वर्सेशन, लाइक जितने लोग ब्लॉग को फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि एक बार हम लोगों ने क्लास में जो है एक पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट, एक जो है हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस किया था। मतलब कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, एक मीटिंग कह सकते हैं, एक बातचीत कह सकते हैं, डिबेट कह सकते हैं। कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब कि वे आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल किड्स फ्रॉम 0 to स्पेशली जब तक वो एटलीस्ट एडल्ट जैसे ना हो पाए। आजकल तो लोग 13-14 साल में काफ़ी स्मार्ट हो जाते हैं। तो उतनी कम उम्र के बच्चों के लिए जो है मतलब पेरेंट्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है या टीचर्स का? तो उसमें आंसर 99% लोगों का आया था कि पेरेंट्स का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही जो हैं जो मतलब उनके साथ रहते हैं और ग्रो करते हैं। एंड या सो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। सो इन दैट सेम वे आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द थिंग कि एम्बियंस एट योर प्लेस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वाइब। आई वुड लाइक टू गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस। द फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि हमारे जीजा जी जिमिंग शुरू किए, तो हमारी बड़ी दीदी आज जिम कर रही है और दोनों साथ में जिम कर रहे हैं। तो और मैंने भी जिम उनसे देख कर प्रेरित हुए, एंड आई ऑल्सो डिड जिम। एंड अभी भी मैं डाइट वगैरह कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने फैट्स को बर्न करने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड या एक फिटनेस का जो है मेरे अंदर एक भावना जो है वो जगा है। सो ये एक एम्बियंस का रिजल्ट हुआ। लाइक आई रिमेम्बर कि हम लोग मतलब आई यूज टू वॉच क्रिकेट, यूज टू प्ले ऑल्सो क्रिकेट, बट हमारी जो बहनें लोग हैं वो लोग क्रिकेट से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। बट अगेन बिकॉज माई जीजा जी इज सो मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, ही लव्स क्रिकेट। सो अब जो है हमारी बड़ी देवी बहुत अच्छे तरीके से मतलब क्रिकेट खेलती है। इन दैट सेम वे तो मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि जो एम्बियंस होता है, जो इर्द गिर्द आपके लोग जैसा करते हैं, स्पेशली इन योर फैमिली, वो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द नेगेटिव एक्टिविटीज ऑफ योर फैमिली, कि अगर कुछ कोई ऐसा वैसा कर रहा है तो आप भी करो। मैं बस एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, दैट इज़ कि अभी जो है कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक। तो उसमें क्या होता है कि मैंने जैसा कल भी बताया था कि मम्मी सुबह सुबह उठती है और स्नान ध्यान करके जो है पूजा पाठ होता है। तो क्योंकि मम्मी भी सुबह उठ गई और छोटी भी सुबह सुबह, छोटी मतलब चुन चुन, वो भी सुबह उठ के वॉकिंग वगैरह पे गई, तो दैट एक्चुअली मोटिवेटेड मी ऑल्सो टू वेक अप। एंड आज मैं नियरली 6:30 6:15 के आसपास उठ ही गया था। 7 बजे फाइनली आई लेफ्ट द बेड। सो यस, सो इन शॉर्ट द एम्बियंस ऑफ योर family and the ambience of the people around you, it actually impacts you. And मैं चाहता हूँ कि जितने भी चीज़ आपको आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव दिखे उससे आपको ज़रूर वो चीज़ सीखना चाहिए। सो यू आई एम गेटिंग बैक टू माई वर्क एंड आई विल सी यू सून।
एंड यस 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, ये हमारा लेमन टी है। यो आई फेल्ट लाइक हैविंग, यूजुअली मैं आई लाइक यू नो लाइम वाटर हो गया या नींबू से रिलेटेड कुछ चीज़ हुआ, दैट एक्चुअली गिव्स मी अ लॉट ऑफ फ्रेश यू नो वाइब, सो दैट्स द टी। हाँ जी ओके, और कुछ? चल थैंक यू। सो यस दिस इज फाइनली इन द हाउस। सो सुपर मारियोज गेम मतलब SD कार्ड इज फाइनली इन द हाउस। हमारे बचपन का सपना, हमारे बचपन का सपना नहीं, बचपन का दिन वापस दिया जाएगा गेम खेल के, सुपर मारियो। यो साइन करना है क्या? थैंक यू सर। सो पार्सल नंबर 2। सो दिस इज द टेंडा का राउटर एंड दिस इज माई सुपर मारियो का SD कार्ड फॉर दिस निंटेंडो स्विच। एंड ये हमने कम से कम आई थिंक 5-6 महीने पहले ही मंगवाया है। ये हमारा आई मास्क है, आज ये तीनों को अनबॉक्स करके रहेंगे। सो ऑल राइट गाइज, द टाइम अपडेट इज़ आपका 12:24 PM। काफ़ी ज़्यादा जो है आज बेल बज रही है, आपने देखा ही, एक पार्सल दो पार्सल और अभी ये जनाब हमारे आए हैं। मैं सो एक्चुअली इन्होंने पिछले बार अकाउंट डिटेल्स दिया था लेकिन उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, IMPS कर रहा था। मैंने NEFT भी उस दिन किया था लेकिन कुछ एरर की वजह से नहीं हो रहा था। आज इनको मैंने बोला आप बैठिए खुद से बताइए अकाउंट डिटेल, और फिर आज जो है ट्रांसफ़र हो गया। और अब से जो है मतलब ये तो मिलेंगे लेकिन अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा। तो ये हमारे नाम पर जो इधर ओके ठीक है, अगस्त अब से 1 तारीख को आपको ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है सर, सर अपना नाम तो बताइए हमारे YouTube चैनल पाटनकर ना बताओ। हाँ, ये दीपक पाटनकर जी हैं, आते हैं मस्त और हमारा चेकअप कलेक्ट करते थे। अब हमें लग रहा है कि अब ऐसे मिलने के लिए आएगा, हेलो बोलने के लिए। हेलो हेलो दोस्त के लिए। सो द पीपल दोज हु आर इन ट्रबल इज ओनली बिकॉज दे वांट टू चेंज समथिंग और बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग। सो बी अमंग द वन हु विल बी एक्सेप्टिंग थिंग्स, not among the one who will be willing to change things. And always remember, जब भी आप किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो वो अपने स्वार्थ से ही करेंगे। तो यो so enjoy the view for a while. Alright guys, it's 5:32 PM with 34 degree Celsius. So आलिया का क्लास हो गया डन। सो चला जाए, सीमा जी ऑलरेडी जो है वहाँ पर क्लास में है, वो 6:20 को बोली हैं कि वो निकल जाएंगी। तो थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस जो है खेला जाए। बेसिकली हमारा एसडी कार्ड जो है वो फुल हो गया, तो हम काफ़ी सोच में थे कि क्या करें, डिलीट करें नहीं करें, ये करें वो करें, बट फाइनली आई डिसाइडेड यार इतना सोचना क्यों, जब गैजेट है तो 2 मिनट रुक लेते हैं, ज़िंदगी एक ही बार है, जब भी जो भी मौका मिले करते रहने का। सो नाउ द ब्लॉग रिज्यूम्स।
100 guys, the time of date is 9:13-14 somewhere. सीमा जी भी आई थी, उनका मैं वीडियो फुटेज आज नहीं ले पाया, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हूँ. उधर हमारा सेटअप, इधर ये, बट आप ध्यान से सुनो. पूरा खोलो. सो बेसिकली कोई पार्टी कर रहा है और हमें रिकॉर्डिंग में तकलीफ हो रहा है. दैट मीन्स कि आई हैव टू अर्न मोर एंड मेक अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो. एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करना है. हर एक चीज का उपाय है इफ यू हैव मनी. सो मनी इज हनी, एंड इफ यू नीड हनी दैट ऑल्सो यू कैन गेट फ्रॉम मनी. सब बस वेट कर रहे हैं. एंड टुडे आई एम सिंगिंग तुम ही आना, डिमांडेड बाय वन ऑफ द पर्सन. उनका आया कोई, मतलब सिंग तुम ही आना, तो बस तुम ही आना. सो ऑलराइट गाइस, द टाइम अपडेट इज 11:01 PM विथ 33 degree Celsius temperature. It smokes. So now actually I am only missing the signature style of seeing the temperature, because I am using my new watch Galaxy. तो इसमें होगा तो definitely, but उसमें कुछ select वगैरह करना होगा screen पे, क्योंकि इसका feature ये है कि ये you know digital analog दिखने type का घड़ी है. तो obviously analog घड़ी में temperature नहीं होता है. और इसमें हालांकि होगा सेक्शन, बट एनीवेज, सो या गॉट डन विद अनबॉक्सिंग. ये हमारे सुपर मारियो का एसडी कार्ड है. जी हाँ, एसडी कार्ड आता है. पहले भी वो यू नो कैसेट टाइप का ही आता था, मतलब मदरबोर्ड टाइप का ही, तो अभी भी एसडी कार्ड ही है. और एक टेंडा का राउटर. होपफुली अभी हमारा नोट 10 प्लस जो है घर में चलेगा. राउटर का इश्यू है, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा. एंड एक अद्भुत सा चीज़ हमने अनबॉक्स किया, वो है आई मास्क. श्रेष्ठा का कहना है कि जिस चीज़ को भी 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, वो चीज़ को हम ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं करते हैं. और हमें ऐसा लग रहा था कि सच में यार ये ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं होगा. नॉट टॉकिंग अबाउट GoPro का एडाप्टर और GoPro का माइक, नियरली ऑफ यू नो 10,000 to 15,000 रुपीज़ वो भी रखा हुआ है, अभी तक यूज़ नहीं हुआ. अब मुझे यूज़ करना है यार. मैं श्रेष्ठा को इन अ वे थैंक बोलना चाहूँगा. एंड एक्चुअली दिस इज़ टेक्निकली राइट ऑल्सो, कि जिस चीज़ को आप 6 महीने तक यूज़ नहीं करते ना, कोई भी नए प्रोडक्ट को, उसको आपको यूज़ करने का सिचुएशन नहीं बनता है. और चीज़ें जो हैं वो, मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ऐसा सीन बनेगा. बट आई हैव टू फाइट इट. सो योर जानवी इज आर रीओपनिंग हर, और ये निकाल रही है अपना दांत. और हम हैं हम ये है जानवी, हम है हम, तो बस ये सब है सब. ये बढ़िया, दिस वॉज गुड. सो सी इज गोइंग अपने घर, आई एम गोइंग अपने घर. एंड बाय द वे, हमारा जो दाढ़ी है ना, हमें काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. वाओ, दैट्स कूल. सो यो, लेट्स गो. बोलो बोलो. हम पूछ रहे तो ये Amazon stick और ये टीवी जो आप लाए थे नया Amazon stick, वो भी तो कितना महीना हो गया, 6-8 महीना इसका भी हो गया. सो यस गाइस, टीवी का एपिसोड सबको मालूम ही है. इसको जब सेटअप कर रहे थे तो Amazon Fire TV स्टिक लिया, Google Chromecast भी लिया, VGA to HDMI पोर्टर लिया, लेकिन टीवी तो ऊपर था नीचे चला गया. तो एक टेबल था वहाँ. Chromecast चलाते हो या कैसे? वो तो ठीक है, चलो लगा हुआ है. आई थिंक ये हमारा जो Amazon Fire TV स्टिक है, इसको भी आई हैव टू गिफ्ट टू समवन, यू नो, अपने ही किसी लोग को दे देंगे. हाँ, विल सी. अगर जीजा जी यूज़ कर रहे हैं तो उनको देंगे, अदरवाइज एनीवन कैन टेक. गाइस, आप लोगों में से, सब्सक्राइबर्स में से किसी को भी चाहिए तो आई एम डूइंग गिव अवे फॉर द फर्स्ट टाइम. प्लीज टेक माय HDMI पोर्ट, दिस टेलीविजन, यू नो. अच्छा नहीं, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, सॉरी गाइस. यो, सो लेट्स गो.
Yeah, no. So let's see it. तो पुलिस लोग जो है मस्त नाकाबंदी लगाए, हमें यार ऐसा क्यों हो रहा है अब गाड़ी का. सी जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है बीइंग अ रियल ब्लॉगर. अभी हमारे गाड़ी का मैं कितनी बार बोला हूँ ये, चलो कुछ लोग नए देख रहे होंगे, 15 साल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, इसका इंश्योरेंस नहीं है एंड यू नो ये गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है, पिताजी के नाम पे है एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें. PUC नहीं है यार, मतलब कोई भी पुलिस अगर पकड़े तो इतने अच्छे से धोए कि यार बस मतलब धोए, मतलब कि ऑब्वियसली अगर मैं यू नो 4-5 हज़ार रुपये जैसा ब्राइब करूँगा तो मैं मतलब वैसा कुछ इश्यू नहीं होगा, बट स्टिल यार मैंने पिताजी से बात किया है इसको री रजिस्टर कराने के लिए. इसको री रजिस्टर बिहार से ही करना होगा. पिताजी का ऐसा मानना था कि 15 साल जब पूरा हो जाता है तो किसी भी अलग स्टेट में हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं पर से तो उसका यू नो वैलिडिफिकेशन जो है, सॉरी वैलिडिटी, सॉरी क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो रहना चाहिए. सो यू एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कि एक्चुअली मुझे निकालना है इसका पेपर, आरसी बुक वगैरह, बट द थिंग इज कि वो मैं बार बार जो है एक्चुअली भूल जाता हूँ, क्या करूँ यहीं पे निकालूँ क्या, बट नहीं फिर स्टार्ट वगैरह करना होगा. चलो घर के पास, एक्चुअली मेरे दिमाग में पहले भी था वो, एक्चुअली मैंने यहाँ पे पैनल में रखा है. सो यो हम पहुँच गए हैं, अब ज़रा हम पहले चेक करते हैं हमारे जो है जनाब को, जनाब मतलब हमारे आरसी बुक वगैरह को, क्योंकि हम भूलते ही जा रहे हैं, पता चला भूलते भूलते भूल ही जाएंगे यार, फंस वस ना जाए. हमने इसको 3 साल पहले रखा है गाइस, आई होप कि होगा या नहीं होगा, है तो गाइस हैव अ लुक, ओह माय गॉड दिस इज लाइक बड़ा सड़ेला, सड़ेला तो नहीं बोल सकते, ओह माय गॉड इसमें चीटी वगैरह, ओहो हो दिस इज लाइक आरसी बुक को ढूंढे या चीटी वगैरह हैं इसमें लग गया. ये देखो ये आरसी बुक और पैनल, अब इससे निकलेगा पेपर. ओहो हो और ये आई बिल्ली, बिल्ली खाएंगे चींटी. सिम्स लाइक हमें जो है मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए. इतनी सारी चींटियाँ, ओहो हो इसके अंदर भी चींटी. ये चींटियों के खानदान को हमने 3 साल पहले ही, और ये तो सड़ या गल गया है. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, तो इसलिए मैं नहीं खोलना चाह रहा था इसको, बट या इट्स ओके. तरीके से गल गया, हालांकि आई हैव अ कार्बन कॉपी इन अ प्रॉपर वे, बट या लेट इट बी. सो रोटी एंड भुजिया, बिकॉज ऑफ आरसी बुक वाला, मैं आरसी बुक को उधर रखने के लिए गया था, वो पेपर आपने देखा ही, तो आरसी बुक को मैं बालकनी में सूखने के लिए रखने दिया. तो बाय द वे ब्लू लाइट मस्त आ रहा. तो मम्मी का नींद टूट गया, तो मम्मी जो है खाना निकाल दी. समय हो रहा है 11:32 PM. सो ऑलराइट गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग. द टाइम अपडेट इज 9:24 PM.
with 31 degrees Celsius, it's fair. And this is the next day, 16th of October 2019, Budhwar hai. So that was all for this vlog. I'm ending this vlog in the evening. Why? Thoda sa suspense khelte hain kyunki hamare ghar mein ek mehman aaye the. कुछ देर के लिए रहे उनके साथ हम एकेडमी भी आए और अभी थोड़ी देर पहले वो चले गए. अब वो मेहमान कौन है जानने के लिए देखिए कल का व्लॉग. ही हा बाय द वे आई लाइक दिस शर्ट बिकॉज मेरे ईयरफोन का कलर इससे मैच हो जाता है. एंड या माय न्यू वॉच. ओ आई लव दिस वॉच. इसका सबसे अच्छा चीज़ है यू नो कि ये एनालॉग जैसा ही दिखता है. So yo, that was all for this vlog, guys. Tab tak ke liye keep spreading love and happiness. Ignore negativity, accept positivity, be thankful to Almighty for whatever you have in your life. Have a dream, keep on chasing it, keep on questioning yourself ki jo kuch bhi aapka aapki zindagi mein chahe kya aap us cheez ko sach mein paane ke liye dil se mehnat kar rahe hain ya nahi. Yes ya no, agar nahi kar rahe to kijiye aur agar aap kar rahe hain to samajh jaiye aap aur success ki or badh rahe hain. Jahan tak bhi aap khud ko dekhna cha rahe hain ki aap us jagah tak pahunchne ke liye aaj sach mein deserving hai. Yes ya no, agar nahi hai to work hard like hell and turn into that deserving person. Trust me, the day you will be turning a deserving person, God will truly give you whatever you will be deserving for. क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम. तो बस हम लोगों को खुद को डिजर्विंग बनाना है, मेहनत करना है, खुशियाँ बांटना है, प्यार बांटना है, बुरे लोग और बुरे सोच से दूरी बनाना है. एंड yes, I'll see you soon in the next vlog and in hashtag stay until your life. So yes, I wanted to just say you something, that is ki hum jo hai, hamara jo RC book hai, wo humne carbon copy bana ke panel mein rakha tha, kyunki pehle main itna bada bag leke nahi ghuma karta tha. Pehle main ek chhota sa bag leke ghuma karta tha. Matlab, you know, once upon a time when I was not a, you know, blogger. So ऐसा बस बैग था. इससे पहले भी ट्रैवल ब्लू का ही था, लेकिन वो बड़ा वाला था, वो भी मैं कभी दिखाऊंगा. बड़ा मतलब उसका शेप थोड़ा अलग था. तो मैं गाड़ी का सारा पेपर जो है पैनल में रख दिया था कि अगर कोई पुलिस वगैरह पकड़ेंगे तो उनको जो है बता देंगे कि ये सारा पेपर्स है. एंड एक्चुअली आई हैव ऑल द यू नो पेपर्स ऑफ बुलेट इन अ वेरी वेरी प्रॉपर वे एंड विद यू नो प्रॉपर हिसाब किताब ऑल्सो. वॉन्ट बिलीव कि मैंने मेरा अटैचमेंट इस बुलेट से इस तरीके से है कि हमने जो कितने रुपए खर्च किए हैं वो सारे चीज़ को हमने लेमिनेट करके रखा और एक फाइल भी बनाया. हैव अ लुक ऑफ द फाइल. सो रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 350 डॉक्यूमेंट्स. सो ये देखिए हमारे पिताजी के, पिताजी ने ख़रीदा इसको 27/5/2004 एट द रेट ऑफ जस्ट 71,363 रुपीज़. एंड इसका कलर उस वक्त था एम ब्लैक, मतलब मैजिक ब्लैक जैसा. और ये गाड़ी हम साथ में लेने के लिए गए थे. और ये इसका रहा यू नो सारा पेपर्स वगैरह. आई थिंक दिस इज़ द आरसी बुक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये सारा कुछ जो है हमने लेमिनेट करके, और ये इंश्योरेंस का है. तो सारा कुछ जो है हमने जो है सारा कुछ रखा है. हम काफ़ी अच्छे तरीके से रखते हैं. तो आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि गल गया ही हा हा. सो देयर इज नथिंग टू वरी गाइज. एंड ये देखो एफी डिफिट समथिंग समथिंग. एंड मैंने कितने रुपए खर्च किए वो भी सारा कुछ एक एक चीज़ का मेरे पास. आई थिंक दिस इज़ द आरसी बुक. या एग्जैक्टली. सो दिस इज़ द ओरिजिनल आरसी बुक जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. एंड नॉट सो दिस इज़ माई. हर एक चीज़ का आपको यू नो बिल मिलेगा. मतलब सब है यार, सब है, सब है. सिर्फ देखो हमने कितना पार्ट्स गाड़ी का बदला है. ओ माई गॉड जस्ट सी क्या नहीं बदला है. बस वो चेक कीजिए आप. ऑलमोस्ट हर चीज़ गाड़ी का बदल दिया, हर चीज़. And it's a file, so it can, you know, simply go on. Yo. So I love and respect my things. ये क्या हुआ? बोलना कुछ और था. हाँ, जानवी का कुछ सवाल है. उस सवाल का जवाब आप.